समाज सेवक एम्बुलेंस कर्मी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एम्बुलेंस कर्मचारियों की सेवा देश के वीर सैनिकों से कम नहीं है। यह लोग समाज सेवा भी करते हैं और अपनी ड्यूटी को इतने कम मेहनताने में अंजाम देते हैं कि एक मजदूर भी इनसे अच्छे पैसे कमाता है, मगर उसके बावजूद इनके माथे पर सिकन तक नहीं आती और यह लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी अपनी सेवा जारी रखते हैं। एम्बुलेंस के अमरोहा जनपद के कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले मोहित चौधरी बताते हैं कि उनकी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा में लगी हुई है और यह लोग अपनी ड्यूटी के सामने अपने परिवार को भी तर्ज नहीं देते हैं। उनका कहना है कि इनके लिए सबसे पहले ड्यूटी है और बाद में परिवार। मरीज की जान बचाना इनका सबसे पहले कर्तव्य है और उनके सामने तनख्वाहें भी मायने नहीं रखती। यह लोग बहुत कम मेहनताने में समाज की सेवा करते हैं। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित चौधरी, प्रोग्राम मैनेजर जनपद अमरोहा। आप लोग कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमारे माइंड में ये रहता है कि मानव धर्म, सर्वप्रथम हम यही सोचते हैं कि सबसे पहले हम मरीज तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, जो कि हमें ऊपर से निर्देश है जीवी के एमआरआई हमारी कंपनी के द्वारा कि 15 मिनट में हमें एम्बुलेंस वहां पे मरीज के यहां पहुंचानी है। उसमें हम अभी तक बहुत सफल रहे हैं। हमारी गाड़ी 13 या 14 मिनट में तत्काल मरीज तक पहुँचती है और उसको हम अस्पताल तक लेकर आते हैं। अगर बात की जाए अमरोहा जनपद में, तो आप अमरोहा जनपद में प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो कितने एम्बुलेंस आपके पास अवेलेबल है? एज अ प्रोग्राम मैनेजर जनपद अमरोहा में मेरे पास 20 एम्बुलेंस 108 की हैं, जिसमें कि 8 एम्बुलेंस हम लोग कोरोना में लगी हुई हैं, बाकी एम्बुलेंसेज से हम इमरजेंसी केसेस अभी ले रहे हैं और बाकी 21 एम्बुलेंस हमारी 102 की भी यहाँ पे हैं, जिसमें कि 2 एम्बुलेंसेज हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट है जिसमें वेंटिलेटर और मॉनिटर की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मैं शुभम कुमार, पायलट ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट अमरोहा में जॉब करता हूँ। जी बताइए कि जिस तरीके से जो है आप लोग कोरोना में सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारा मकसद जो है वो जल्द से जल्द मरीज के पास तक पहुंचना होता है और हम बिना कुछ खाए पिए भी हम मरीज को कंटिन्यू सेवा करते रहते हैं और भविष्य में करते रहेंगे और सरकार के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि हमें हमारे जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, हमारे प्रोग्राम मैनेजर साहब हैं मोहित चौधरी, जो हमें दिन प्रतिदिन निर्देशित करते रहते हैं और जैसे भी हमें वो आदेश करते हैं हम उनके आदेश के तुरंत हम निकल जाते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के लिए, हम तुरंत, हम अगर खाना खाते हुए होते हैं तो उसे छोड़ कर हम तुरंत पेशेंट के लिए मूव कर जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तो आपको आपकी जान का डर नहीं लगता? डर तो लगता ही है सर, जब ये कोरोना आया था उस समय हमें बहुत डर लगता था, लेकिन सबसे पहले हमारा काम है अपने जो साथ के बंदे हैं, अमरोहा के लोग हैं, अपने देशवासी, उनकी सेवा करना है और वो तो कहावत आपने सुनी है कि डर के आगे जीत है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो आपकी सैलरी कितनी होगी? सर सैलरी तो हमारी इतनी है कि एक जो मजदूर है दिहाड़ी का पे जो काम करता है वो हमसे ज़्यादा कमा लेता होगा, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी सैलरी आने में लेट भी होती है, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं होती, सैलरी आए या ना आए, लेकिन हमें तो मानव की सेवा करनी है। अच्छा, आप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं, जैसे हम और हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो हमारे शहर की जो जनता है, जो लोग बाग हैं हमारे टच में रहने वाले, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने जो हमारी कंपनी है जीवी के MRI, उसके अकॉर्डिंग हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को और भी बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। हम कहना यही चाहेंगे, जैसा कि ये पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें हम और हमारी पूरी टीम और हमारे सीनियर सब इसमें लगे हुए हैं और जो हमारी टीम है दिन रात इसमें काम कर रही है कोरोना मरीजों को, वो एक ऐसी स्थिति में जहाँ अगर किसी का बाप हो, भाई हो, माँ हो, अगर पता चल जाए वो भी दूरी कर लेता है, लेकिन हमारी टीम उसके नज़दीक पहुँचती है, उसे बैठाती है और उसको सैकुशल हॉस्पिटल तक छोड़ती है। तो संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही, मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम निस्वार्थ मन से मानव सेवा के लिए लगी हुई है। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। नहीं, डर तो लगता है, लेकिन ये सेवा देनी है लोगों को, हम ही डर जाएंगे तो फिर वो उन लोगों को सेवा कैसे दे पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को जो है ड्यूटी पर जब बुलाते होंगे तो कैसे आप लोग कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? मतलब पेशेंट के पास लगभग 12 से
15 मिनट के बीच में पहुंच जाते हैं।